जय हिंद दोस्तों। तो आज एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए हैं बहुत दिनों के बाद GTA सनराइज़ में एक और नई मोड को लेकर के, एक और नई मोड मेन्यू और मोड की कार्स को लेकर के, जो कि हमारी GTA 5 की तरह बिल्कुल चल रही हैं। तो आपने पिछली वीडियोस में अगर नहीं देखा होगा तो आप जाकर के ज़रूर देखिए, और इस वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपनी मोड मेन्यू ऑन कर लेते हैं, और इसमें हम लोगों ने देखी एक बहुत ही ज़बरदस्त कार है जिसको हम लोगों ने स्पॉन करा लिया है। और ये जो कार है आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त देखने में, और जो कि ये पुराने GTA San Andreas में आपको देखने को मिलती रही होगी, तो ये बस उसी का थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कि हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। और इसमें हम लोगों ने नाइट्रो लगवा रखा है, तो उसकी वजह से जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और देखते हैं कि इसकी हैंडलिंग और इसकी स्पीड और इसकी कैसे इसकी जो हैंडलिंग है वो होने वाली है। तो देखिए हम लोग इसको जल्दी से इसको हाईवे के ऊपर लेकर के चलते हैं, और देखते हैं कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो कितनी होने वाली है। बाकी इन मोड्स का अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जा कर के इसको डायरेक्टली अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली डाउनलोड करिएगा, वो इंस्टॉल होकर के आप डायरेक्टली इसको फ़ोन में अपने इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हमारी जो कार है ये डैमेज हो चुकी है, ज़रा सा किसी कार वाले ने टक्कर मार दिया था भाई साहब ने, तो उसकी वजह से ये डैमेज हो चुकी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, और अब हम लोग इसको फुल स्पीड पर लेकर के जाएंगे। तो इसको पूरी तरीके से हाईवे पे हम लोग लेकर के आ जाते हैं, और देखिए हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं। अभी आप इसकी नॉर्मल जो स्पीड है वो शिट यार, देखिए अब इस कार से हमारी टक्कर हो चुकी है। और हालांकि इसकी हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त है, और इसको हम लोग फुल स्पीड पे लेके जा रहे हैं। और इसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे रास्ता बिल्कुल साफ है, हम लोगों ने अपना देखिए नाइट्रो जो है वो ऑन कर दिया, और अब इसकी फुल स्पीड देख पा रहे होंगे 150 के ऊपर तो नहीं जा रही है, मगर जो इसकी कंट्रोलिंग ये देखिए ये ड्रिफ्ट भी कितनी ज़बरदस्त तरीके से कर रही है, और हैंडलिंग जो इसकी है वो रोड पर बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है हैंडलिंग करने में, और बहुत बढ़िया इसकी कंट्रोलिंग है। और ये देखिए हमारी जो कार है वो थोड़ा सा क्रैश कर चुकी है, और हमारी जो कार है थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए कोई बात नहीं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।